नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत कॉमन लेडीज की प्रॉब्लम, जिसको हिंदी में, गांव की भाषा में रसौली कहते हैं। इसका मेडिकल नेम है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स में आजकल बहुत कॉमन हो गई। उनके बहुत कॉमन होने का क्या कारण है, ये बताना बहुत मुश्किल है। इससे पहले एक वीडियो में मैं PCOS के बारे में बता चुका हूं आपको। आज हम लोग केवल ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात। देखिए, ओवेरियन सिस्ट जब अल्ट्रासाउंड आप कराते हैं तो उसमें ये पता लगता है कि वो किस प्रकार की है। प्रकार से मेरा मतलब है, क्या ये एक पनीली सिस्ट है, पानी भरी हुई सिस्ट है, क्या ये एकदम सॉलिड सिस्ट है, या ये सॉलिड सिस्टिक यानी कि थोड़ा पानी और थोड़ा सॉलिड उसमें है। ये अल्ट्रासाउंड से हमको पता लगता है। अल्ट्रासाउंड से हमें सिस्ट की साइज, ओवरी में उसकी लोकेशन भी पता लगती है। ओवेरियन सिस्ट की लोकेशन और उसके टाइप से इसको अलग तरीके से भी क्लासिफाई करा जाता है। सिंपल ओवेरियन सिस्ट, अगर जो पानी भरी सिस्ट है, अगर वो ओवरी के सरफेस पे पाई जाती है तो उसको सिस्ट एडिनोमा कहते हैं। इसकी साइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 3 सेंटीमीटर से नीचे की साइज जो होती है ओवेरियन सिस्ट की, सिंपल ओवेरियन सिस्ट जो पानी भरी हुई है, उसको फिजियोलॉजिकल सिस्ट कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सिस्ट 3 महीने के अंदर अपने आप चली जाएंगी, पर रियल टाइम प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने ऐसा देखा है कि ऐसा नहीं होता है। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की सिस्ट तो अपने आप चली जाती हैं, लेकिन 3 सेंटीमीटर की अगर सिस्ट है तो डॉक्टर की राय ले लेनी चाहिए। और ऐसे में एक बहुत अच्छी होम्योपैथी की दवा अगर आपको मिले जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, तो वो बहुत जल्दी सिस्ट में आराम दे देती है। दूसरी तरह की सिस्ट जो होती है वो सॉलिड सिस्ट होती है। सॉलिड सिस्ट 2 तरह की हो सकती है। एक वो जिसमें कि जो सॉलिड भरा हो वो गाढ़ा हो, गाढ़ा फ्लूइड हो, इसको एंडोमेट्रोसिस कहते हैं, एंडोमेट्रोमा। ये सिस्ट ओवरी के अंदर इसलिए आ जाती है कि जब बच्चा पेट में डेवलप हो रहा होता है, ये बच्ची पेट में डेवलप हो रही होती है, तो उसका जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है, जो कि यूट्रस की लाइनिंग होती है, वो समहाउ ओवरीज के अंदर चला जाता है। और हर पीरियड के दौरान ओवरीज के अंदर भी ब्लीडिंग होती है, और वो ब्लीडिंग चूंकि इस पर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मेंसेस तो निकल जाते हैं उनका रास्ता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग निकल जाती है उसका रास्ता है, लेकिन ये जो ब्लीडिंग होती है ये ओवरीज के अंदर ही होती है, और होते 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 वो एक सॉलिड गांठ बना लेती है, जो खून भरी, गाढ़े खून की भरी हुई गांठ होती है, इसको एंडोमेट्रोमा कहते हैं। एंडोमेट्रोमा होम्योपैथी से जाता है, लेकिन उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है होम्योपैथी द्वारा। ऐसे कई केसेस हैं जिनको मैं कर रहा हूं, जिनको मैं कर चुका हूं। ये केसेस में पीरियड्स के दौरान ओवरीज में पेन बहुत ज्यादा होता है, और पेन तो होम्योपैथी से बिल्कुल ठीक हो जाता है, पर एंडोमेट्रोमास को सूखने में 1.5-2-3 साल तक लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, करीब 25-30% केसेस में, कि एंडोमेट्रोमास होम्योपैथी से ठीक नहीं होते हैं, हालांकि एंडोमेट्रोमा का पेन होम्योपैथी से ठीक हो जाता है। फिर एक और तरह की ओवेरियन सिस्ट होती है, जो कि सॉलिड होती है और सिस्टिक होती है। सॉलिड सिस्टिक सिस्ट कभी कभी कैंसर भी हो सकती है, इसलिए हर ओवेरियन सिस्ट का केस जो मेरे पास आता है उसकी एक ब्लड जांच मैं जरूर कराता हूं, जिसको CA125 कहते हैं। CA125 अगर हजारों में आ रहा हो तो ये कैंसर के को बताता है, और ऐसे में फर्दर ट्रीटमेंट होना चाहिए किसी भी एक अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट के अंडर में। होम्योपैथी भी ओवेरियन कैंसर में काफी कारगर होती है। अगर ओवेरियन सिस्ट हो और CA125 थोड़ा बहुत बड़ा हो, 500 के नीचे या 500 के आसपास हो, तो घबराने की बात नहीं है। ओवेरियन सिस्ट नॉर्मल नॉन कैंसरस बिनाइन सिस्ट में भी CA125 थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्या होम्योपैथी ओवेरियन सिस्ट में आराम दे सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर ओवेरियन सिस्ट 7 सेंटीमीटर से छोटी है तो वो होम्योपैथी से बिल्कुल ठीक होने के उसके चांसेस होते हैं। 90% चांसेस हैं कि 7 सेंटीमीटर से छोटी सिस्ट होम्योपैथी से ठीक हो जाएगी। 5 सेंटीमीटर से छोटी सिस्ट 100% होम्योपैथी से ठीक हो जानी चाहिए। एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो सिस्ट में होता है वो होता है पेन का। इस पेन को होम्योपैथी से बहुत जल्दी कंट्रोल और खत्म करा जा सकता है, इसलिए आप के पास अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसके ओवेरियन सिस्ट हो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे होम्योपैथ से मिले या हम लोगों से आकर के। होम्योपैथी कैसे काम करती है, दवा का सिलेक्शन कैसे करते हैं, मैं आपको हमेशा बताता आया हूं कि होम्योपैथी की दवा का सिलेक्शन हमेशा इंडिविजुअल पेशेंट्स के सिम्टम्स पे बेस्ड होता है। इसको इंडिविजुअलाइज्ड
ट्रीटमेंट कहते हैं। दो तीन ऐसी होम्योपैथी की दवा है जो कि रसौली ओवेरियन सिस्ट में बहुत काम करती है, जैसे कि एपिस मेलिफेशिया। ये तब ज्यादा काम करती है जब पेशेंट को गर्मी बहुत लगती हो और पेशेंट को प्यास ना लगती हो। डैकेचेस, ये तब ज्यादा काम करती है जब ओवेरियन सिस्ट लेफ्ट साइड में हो, साथ ही साथ पेशेंट को कसे कपड़े पहनने से दिक्कत होती हो, पेशेंट के पीरियड्स ज्यादा होते हो, पेशेंट्स को गले में ऐसा लगता हो कोई चीज अटक रही है और उसको मिट्टी की महक बहुत सुहाती हो, कभी कभी ऐसे पेशेंट्स को मिट्टी खाने का भी मन करता है, ये लैक्चेस दवा की पहचान होती है। सेम सिम्टम्स हो लेकिन पेशेंट की ओवेरियन सिस्ट जो हो वो राइट साइड में हो तो दवा हो जाती है सिनकेरिस। राइट साइड की ओवेरियन सिस्ट में एक और दवा बहुत काम करती है जिसका नाम है लाइकोपोडियम। और जो दवाएं होम्योपैथी की सिस्ट में काम करती है वो है पलेडियम, ये बहुत उत्तम दवा है जो कि सिस्ट में काम करती है। दूसरी प्रूनस स्पाइनोजा और रोडोडेंड्रॉन। तो ये कुछ दवाएं हैं जो कि होम्योपैथी की रीनल सिस्ट में काम करती हैं। रीनल सिस्ट पे मेरा बहुत बड़ा रिसर्च वर्क है, लगभग 100 से ज्यादा केसेस हैं जो मैंने किए हैं ओवेरियन सिस्ट के ट्रीट, इसलिए मुझे मालूम है कि कौन सी सिस्ट होम्योपैथी से ठीक हो सकती है, कौन सी सिस्ट होम्योपैथी से ठीक नहीं हो सकती। आप अपने शहर के अच्छे होम्योपैथ से मिलें, आपको ओवेरियन सिस्ट के पेशेंट्स को होम्योपैथी द्वारा ठीक करने में अत्यधिक मदद मिलेगी। धन्यवाद।